दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू कलेहली एंड सुंदरनगर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करसोग आगमन पर नाहविधार ग्राम पंचायत के उप प्रधान मोहन ठाकुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करसोग पधारने पर भाजपा कार्यकर्ता बुद्धि सिंह की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करसोग पधारने पर जिला आईटी संयोजक भाजपा संगठनात्मक सुंदरनगर इंजीनियर दीप राज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सीआरसी सुंदरनगर व नवरोशन युवा विकास समिति कुनो के सौजन्य से करसोग में दिव्यांगता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में दीप राज भंथल ने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि के रूप में वीडियो करसोग उपस्थित रहे। इस शिविर में 2 जून को जिन दिव्यांगजनों को इस शिविर में 2 जून को जिन दिव्यांगजनों की जांच की गई थी उनको आज उपकरण वितरित किए गए। कुछ नए लोगों की जांच की गई उनको भी उपकरण वितरित किए गए। उपकरण वितरण में व्हीलचेयर, वैसाखी, कान की मशीनें, नज़र के चश्मे, स्मार्ट केन इत्यादि अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। सीआरसी सुंदरनगर व नवरोशन युवा विकास समिति कुन्नो के सौजन्य से आज दिव्यांगता उपकरण वितरण का आयोजन नागरिक चिकित्सालय करसोग में किया गया। इस कार्यक्रम में अगर कोई व्यक्ति छूट गया है उन्हें कुछ ही समय उपरांत हम पुनः उपकरण वितरित करेंगे। इसके लिए एक बार हमारे साथ संपर्क कर लें, अपने दस्तावेज जमा कर लें ताकि शीघ्र उनका कार्य भी सम्पन्न हो सके। आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं दीप भंथल जी का, वीडियो करसोग जी का कि जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे बीच उपस्थित हुए। आज कितने उपकरण? आज हमारे जो 2 तारीख को संख्या हुई थी वो 45 थी, जिसमें व्हील चेयर, वैसाखी, कान की मशीनें, चश्मे इत्यादि हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा और नरेंद्र शर्मा जी का भी, और दिव्य हिमाचल के माध्यम से प्रदेश के सभी जनता को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 72वें सामाजिक अधिकारिता शिविरों के माध्यम से दिव्य गजन एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वियोगश्री योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायिका उपकरण वितरण दिवस करसोग सिविल अस्पताल में मनाया गया। और इस समारोह पे व्हीलचेयर, हमारी कान की मशीनें और चश्मों का वितरण किया गया, जो कि रोशन जी के माध्यम से जिनके इसमें बहुत ही बेहतरीन सहयोग रहा नवरोशन युवा विकास समिति का। और इस और आगे आने वाले समय में भी जिन भी बुजुर्गों का आज जिन ये उपकरण नहीं मिल पाए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और आगे आने वाले समय में उन्हें भी उपकरण दिए जाएंगे। और मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि आप इनके लिए डिसेबिलिटी का शब्द ना यूज़ करें, अपने ना प्रयोग में लाएं, द पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू जिले का सबसे भरोसेमंद अस्पताल अब धनोटू सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। भानु अस्पताल में हिम केयर तथा आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन फ्री किए जाते हैं। भानु अस्पताल में आंखों के सफेद मोती का ऑपरेशन लेजर विधि द्वारा तथा अन्य ऑपरेशन जैसे कि बच्चेदानी, अंडकोश, बच्चेदानी के रसौली का ऑपरेशन लेजर विधि द्वारा किए जाते हैं।
पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया और अपेंडिक्स आदि के ऑपरेशन भी दूरबीन से किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचें और दूरबीन तथा लेजर से ही ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6230409071।